वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 क्लास 12th की इंटीग्रल्स। देखिए, आपको बता दिया गया था कि इंटीग्रल में हमारा जो 7.9 है डिफाइनाइट इंटीग्रल, जिसके अंदर आपको लिमिट्स गिवन होती है तो आप कांस्टेंट ऐड नहीं करते, वो एक्सरसाइज हमने 7.9 पिछली वीडियो में हमने की थी। आज हम करेंगे 7.10, जिसके अंदर आपको ये भी जो एक्सरसाइज है वो भी डिफाइनाइट पर बेस्ड है। मीन्स आपको इंटीग्रेशन की रेंज दी हुई है, आपको लिमिट्स दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। आपके पास है 0 to 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। हम यहाँ पर मान लेते हैं, पुट करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी, तो आपके पास होगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो आप यहाँ से x dx जो है वो आपके पास आने वाला है dt by 2, क्लियर। जब आपने x 1 रखा तो t आपके पास मिलने वाला है 1 square plus 1, दैट इज 2। जब आपने x 0 रखा तो t आपको मिलेगा यहाँ से 1। देखिए, यहाँ आपने t माना था तो आपको ये जो वैल्यूज है, लिमिट्स है, वो यहाँ पर पुट करनी है x की। अब हमने लिमिट भी चेंज कर दी है हमारी 1 से 2, और फंक्शन भी चेंज कर दिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा, 1/2 log ऑफ टी, आपकी जो लिमिट्स है 1 to 2 है, तो ये बनेगा 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। log 1 जो होता है वो 0 होता है, तो आंसर यहाँ से आया 1/2 log 2। आप चाहें यहाँ पर लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि log 1 जो है वो 0 होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 0 to π/2 रूट साइन फाई कोस फाइव फाई डी फाई। देखिए, क्या मैं इसको ये लिख दूं, रूट साइन फाई कोस पावर 4 फाई कोस फाई डी फाई। इसको हम ये लिख सकते हैं 0 to π/2 रूट साइन फाई कोस स्क्वेयर फाई इट्स पावर स्क्वेयर कोस फाई डी फाई। अब कोस स्क्वेयर फाई को हमें पता है कि साइन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin² φ इट्स स्क्वेयर कोस फाई। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं साइन फाई को टी मानते हैं, तो ये आ गया आपके पास कोस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। अब हम लिमिट चेंज कर लेते हैं, फाई की लिमिट है π/2, तो साइन π/2 पर होता है 1, तो यहाँ से टी की जो लिमिट है वो आ गई है 1, अपर लिमिट आ गई है 1। जब फाई 0 होगा तो साइन 0 होता है 0, तो लोअर लिमिट टी की आ गई है 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 to 1 रूट टी 1 - t² इट्स स्क्वेयर डी टी। इसको ओपन करके लिखे हैं हम, तो ये होगा हमारा 1 + t⁴ - 2t² dt। इसको और सॉल्व करें तो ये बनेगा रूट टी प्लस टी की पावर, यहाँ पर बनने वाला है 9/2 माइनस में 2t⁵2dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए, ये बना है टी की पावर, जब आपने 1 ऐड किया तो ये बना 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में टी की पावर 11/2 अपॉन में 11/2 माइनस में 2t⁷/2 अपॉन में 7/2। लिमिट्स है 0 से 1, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 2/3 प्लस में 2/11 माइनस में 4/7। तो यहाँ से आपका जो एलसीएम आता है 3 × 11 × 7, तो ये है 154 + 42 - 132, दैट इज़ सोल्व करने पे आपको मिला है 64/231। ये आपका आंसर है।
देखिए आपको नेक्स्ट गिवन है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। यहाँ पर आप पुट करेंगे x इक्वल टू 10 थीटा, तो ये मिलने वाला है मुझे dx इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। और देखिए लिमिट जब हम यहाँ पुट करें x इक्वल टू 1, तो टेन इनवर्स 1 जो है वो आपका होता है पाई बाय 4 पर। अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हैं तो टेन इनवर्स 0 आता है मेरा 0, तो थीटा आता है यहाँ से 0। अब आप इसको चेंज कर दीजिए, 0 से पाई बाय 4 साइन इनवर्स, जब आपने टेन थीटा पुट किया तो आपके पास ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। देखिए आपको पता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा जो है वो फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा का। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, 2 आपने बाहर लिया, थीटा सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। बाय पार्ट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आने वाला है थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 4 सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा, माइनस में इन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड इट्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ से मिला थीटा टेन थीटा 0 से पाई बाय 4 माइनस में टेन थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाय 4, ये मिलता है हमें पाई बाय 4। टेन पाई बाय 4 पर आपके पास वैल्यू होती है 1, और आगे 0 है तो 0 पर 0 माइनस माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा 0 टू पाई बाय 4, तो ये आता है 2 पाई बाय 4 प्लस में लॉग कोस पाई बाय 4 माइनस में लॉग कोस 0। कोस 0 होता है 1 और लॉग 1 की वैल्यू होती है आपके पास 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस 2 लॉग पाई बाय 4 पर होती है 1/√2। क्लियर? आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। आप चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं 2 लॉग ऑफ 2 की पावर -½, तो ये बनेगा हमारा -½, हम आगे ले आते हैं तो ये बना पाई बाय 2 माइनस लॉग 2। नेक्स्ट है आपके पास 0 से 2 एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 2 हम ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, तो ये आपके पास बन गया अब 0 to 2 एक्स प्लस 2 इट्स पावर 1 + ½ मीन्स 3/2 माइनस में 2 एक्स प्लस 2 इट्स पावर हाफ। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आने वाला है एक्स प्लस 2 इट्स पावर 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस में 2 एक्स प्लस 2 इट्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 2। देखिए आपने जब 2 रखा यहाँ पे तो आपको मिलता है 4 पावर 5/2 माइनस में 4/3 4 की पावर 3/2 माइनस में, जब आपने 0 रखा तो ये बनेगा 2 की पावर 5/2, बाहर आपके पास 2/5 प्लस में 4/3 2 की पावर 3/2। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/5 2 की पावर 2 इंटू 5/2 माइनस 4/3 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस में 2 पावर 7/2 बाय 5 प्लस 2 की पावर, देखिए यहाँ से 4 जो है 2 की पावर 2 है और 3/2 आपके पास ऑलरेडी है मीन्स 4 बाय
फोर प्लस थ्री बाय टू, ये बनेगा सेवन बाय टू अपॉन थ्री। तो यहां से आपके पास मिला टू की पावर सिक्स, मीन्स आपके पास हो गया ये 64/5 माइनस में 2 की पावर 3, 8 इंटू फोर मीन्स 32/3 माइनस में 8√2/5 प्लस में 8√2/3। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये मिलेगा आपको 192 माइनस 160 अपॉन में 15 प्लस में 8√2/5 माइनस 3 अपॉन 15। आंसर इज 16/15 2 प्लस √2। नेक्स्ट इज 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, कोस एक्स को हमने टी माना, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स आपने पाई बाय टू रखा तो कोस पाई बाय टू पर होता है जीरो, जब आप एक्स जीरो रखेंगे तो ये मिलेगा आपको कोस जीरो दैट इज वन, तो यहाँ से टी मिल जाता है वन। तो देखिए लिमिट आ गई है 1 to 0 माइनस डी टी अपॉन में 1 + t² यह आपका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टी का। लिमिट है 1 to 0, टेन इनवर्स 0, बाहर हमने माइनस रखा है, टेन इनवर्स 1, 0 पर 0 होता है और टेन इनवर्स 1 जो है वो होता है पाई बाय 4 पर, तो आंसर इज पाई बाय 4। नेक्स्ट इज 0 to 2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको आपको सबसे पहले नीचे स्क्वेयर बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया डी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1/4 आपने सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया, तो यहाँ से आता है डी एक्स अपॉन 17/4 दिस वन, तो आप इसको लिख सकते हैं √17/2 इट्स स्क्वेयर माइनस में एक्स माइनस हाफ का स्क्वेयर। आप जानते हैं इंटीग्रेशन 1/a² - x² जो है वो होता है 1/2a log ऑफ मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, a जो है वो है √17/2, क्लियर, और x की प्लेस पे हमारे पास है x माइनस हाफ। तो इंटीग्रेशन की हम सीधी वैल्यू रख रहे हैं, ये आती है 1/2 √17/2 log ऑफ √17/2 प्लस में x माइनस हाफ अपॉन √17/2 प्लस में सॉरी माइनस में और लिमिट आपकी 0 से 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है 1/√17 log ऑफ √17/2, जब आपने 2 रखा तो ये बनेगा प्लस में 3/2 अपॉन में √17/2 माइनस में 3/2। 1/√17 हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस में लोग जब आपने 0 रखा तो ये बनेगा, दिस वन, क्लियर। इसको हम और सॉल्व करें तो देखिए आप लिख सकते हैं इसको 1/√17 लोग ऑफ √17 + 3 अपॉन √17 - 3 इंटू में √17 + 1 अपॉन में √17 - 1।
क्लियर। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आने वाला 1/√17 log ऑफ 5 + √17। आपने कॉमन लिया है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ये 20 बनने वाला था तो आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया 4। इसी तरह नीचे भी आपके पास 4 कॉमन आएगा और ये बनेगा 5 - √17। तो ये आपके पास आता है 1/√17 log 5 + √17 अपॉन में 5 - √17। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज करके और आगे सोल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको आंसर में इतना ही छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास -1/1 dx अपॉन x² + 2x + 5। तो ये आने वाला -1/1 dx x + 1² + 2² डायरेक्टली आपका टेन इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, 1/a टेन इनवर्स x + 1/2 जी। -1 से 1 आपको रखना है, देखिए ये आया है, जब आपने 1 रखा 2/2 माइनस में टेन इनवर्स 0, 0 पर 0 होता है और 1 होता है π/4 पर, सो आंसर इज π/8। नेक्स्ट इज 1/2 e^2 2x 1/x माइनस में 1/2x² dx। पीछे आपको एक फॉर्मूला कराया गया था ex(f(x) + f'(x) dx, तो आप उसको सीधा लिख सकते हैं e^(f(x) + c। तो देखिए यहाँ पर मैं मान लेती हूँ e^(2x)/x) को मैं t मान रही हूँ, तो ये क्या आएगा 2e^(2x)/x) माइनस में e^(2x)/x² dx = dt। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ ये, तो ये बनता है आपके पास 2dt। क्लियर। इट मींस आपके पास देखिए ये जो आया हुआ है ये सेम ऐसे ही है, लिमिट और चेंज कर लेते हैं। जब x आपकी 2 होगी, आप यहाँ पर 2 रखिए, तो ये बनने वाला है e^4/2। जब आपने x 1 रखा तो ये बनेगा e^2 = t। तो लिमिट आपके पास आ जाती है e^2 e^4/2 dt dt/2। ये बना 1/2 t e^4/2 अपॉन लोअर लिमिट है e^2, तो ये आता है 1/2 e^4/4/2 माइनस में e^2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको, e^2 अगर मैं कॉमन भी लूँ तो ये आएगा e^2 माइनस में, मैं अंदर 2 भी कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो ये आ गया 4। e^2 कॉमन लिया तो अंदर बचा e^2 - 1, और आपने 2 एलसीएम लिया तो e^2 - 2 बाहर आ गया e^2/4। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, सबसे पहले यहाँ हमने पुट किया x = sin θ, तो dx आ गया cos θ d θ। आपने x = 1/3 रखा तो थीटा मिला आपको sin inverse 1/3। जब आपने x 1 रखा तो थीटा मिला साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पर, तो आपके पास ये आ गया sin inverse 1/3 से जो रेंज है आपकी लिमिट है वो जा रही है π/2 तक।
यहाँ मिला आपको साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, इट्स पावर 1/3 अपॉन साइन पावर 4 कोस थीटा डी थीटा। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, देखिए आगे आप इसको लिख सकते हैं, साइन की पावर 1/3 थीटा आपने कॉमन लिया तो अंदर बना 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, इट्स पावर 1/3 अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा कोस थीटा डी थीटा। यहाँ से हमने इसको और सॉल्व किया तो ये बनता है आपके पास साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा इट्स पावर 1/3। देखिए बाहर साइन की पावर 1/3 थे, मैंने अंदर ले लिया है, अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा और इनटू में था कोस थीटा डी थीटा। तो आपके पास ये आ गया है साइन इनवर्स 1/3 से पाई बाय 2 साइन 1/3 थीटा कोस की पावर आपके पास है 2/3 + 1 मीन्स आपके पास हो गया 5/3 थीटा अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। साइन की पावर 4 को हम देखिए ब्रेक कर सकते हैं साइन स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। तो इसको और सॉल्व करें तो देखिए साइन की पावर 1/3 है, अगर हम नीचे इसको रखना चाहें नीचे लेके जाएं तो ये कितना आ गया आपके पास 2 - 1/3 मीन्स साइन की पावर आ गई है 5/3 और 1 sin² थीटा हमारे पास नीचे रह जाता है। तो ये आया है देखिए कोस बाय साइन होता है कोट, पावर है 5/3 थीटा और 1/sin² होता है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। यहाँ से आप कोट थीटा को अगर माने, कुछ भी नया फंक्शन मान लेते हैं टी, तो ये बनता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू डी टी। जब आपने लिमिट चेंज की, आपने जब थीटा यहाँ पे रखा पाई बाय टू, कोट पाई बाय टू पर आपके पास होता है 0, तो टी आपके पास आ गया है 0। जब आपने थीटा रखा साइन इनवर्स 1/3 तो देखिए साइन थीटा कितना आ गया आपके पास यहाँ से 1/3, तो कोट थीटा में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 2√2, क्लियर। क्योंकि कोट थीटा आपके पास क्या होता है अब रूट में, देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ कोट थीटा होता है मेरे पास कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 का रूट, और कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1/sin² थीटा माइनस 1। साइन थीटा की वैल्यू आ रही है -1/3, क्लियर। तो यह आएगा √8 और √8 जो होता है वो होता है 2√2। तो यहाँ से आपके पास जो लिमिट आई है वो आई है √8 to 0 और ये बना है टी की पावर 5/3 माइनस ऑफ डी टी। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो यह है माइनस टी की पावर, आपने +1 किया तो ये बना 8/3 अपॉन में 8/3, आपने रखा √8 से 0। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आती है आपके पास 0 पर 0 माइनस माइनस प्लस √8 इट्स पावर 8/3 अपॉन 8/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/8 इंटू में, क्लियर। इसको आप लिख सकते हैं 3/8 इंटू 8 की पावर आप इसको ये लिख सकते हैं 8 की पावर ½ इंटू में 8/3, सो 3/8 इंटू में 8 की पावर 4/3 और ये हम लिख सकते हैं 8 × 8 की पावर 1/3। तो 8 से 8 कैंसिल और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर है 1/3। तो यहाँ से आया 3 × 2 यानी कि उत्तर आता है आपका 6 जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है ए ऑप्शन।
टेन वाले में देखिए, जीरो टू एक्स टी साइन टी डी टी बाय पार्ट्स होने वाला है टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी जीरो टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और जो भी फंक्शन आएगा उसका जीरो टू एक्स लिमिट पर आपका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बनेगा माइनस टी साइन टी का होगा कोस टी जीरो टू एक्स माइनस जीरो टू एक्स टी का डेरिवेटिव वन और साइन का होगा माइनस कोस टी। तो यहाँ से आया माइनस एक्स कोस एक्स जीरो पर जीरो माइनस माइनस प्लस कोस टी का बनेगा साइन टी ये होगा जीरो टू एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस में साइन एक्स क्लियर और साइन जीरो पर जीरो होगा। तो यहाँ से आपको बोला गया है कि आपके पास जो भी इंटीग्रेशन आता है सॉल्व करने के बाद देखिए एफ एक्स है ये इंटीग्रेशन जो है वो एफ एक्स है आपको इसका क्या निकालना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका आपने एक्स का किया तो वन और कोस का करेंगे तो साइन एक्स बाई पार्ट्स कर दिया हमने और साइन का करेंगे तो कोस एक्स क्लियर कोस एक्स कैंसिल आपका आंसर आता है प्लस में एक्स साइन एक्स तो आंसर मुझे मिल रहा है यहाँ पे बी। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन जो सोल्व करेंगे उसको एफ एक्स बोला गया है तो जो भी आपका इंटीग्रेशन सोल्व करने पे आता है वो एफ एक्स है आपको उसका क्या निकालना है डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव देखिए इस पर हमने बाई पार्ट्स किया दो आपको प्रोडक्ट में दिए हुए थे सोल्व करने पे आपके पास ये आता है तो आपका आंसर आ गया एक्स साइन एक्स क्लियर। ये थे आपके 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.10 के। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय बाय।